नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम, एलजी और केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। विकसित भारत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक की थीम है विकसित भारत एट 2047। अध्यक्षता में आज दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसकी थीम विकसित भारत एट 2047 रखा गया है। बैठक में विकसित भारत से जुड़े कई मुद्दों और विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। बैठक का फोकस केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ाना, विकास का रोड मैप तैयार करना और लोगों की लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाना है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बड़ी मांग है। ममता ने कहा है कि नीति आयोग को खत्म कर दिया जाए, नीति आयोग की जगह योजना आयोग को लाया जाए। नीति आयोग के पास कोई वित्तीय ताकत नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बजट पर विरोध जताने के लिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। उन्होंने नीति आयोग को राजनीतिक रूप से पक्षपाती करार देते हुए इसे खत्म करने और योजना आयोग को वापस लाने की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिनमें तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई नाम शामिल हैं।